नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th को प्रैक्टिस कराएंगे MCQs ऑन स्पेरिकल मिरर्स। तो इसमें आज से हम बेसिक्स लेके चल रहे हैं ताकि जो 10th के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। तो जिसमें आज ठीक है। हेलो दिव्यास, कैसे हो आप? हाँ दिव्यास, ये आप ही की तरह के स्टूडेंट्स हमारी हेल्प कर रहे हैं जिसकी वजह से इतने सब्सक्राइबर हो पाए इतने कम टाइम में। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपका साथ बना रहेगा। ओके, बस बढ़िया है दिव्यास। आप बताइए, और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? एग्जाम भी आने वाले हैं। ओके ओके, दुष्यंत वेलकम बैक। ठीक है, आज देखते हैं 9th वाले बच्चे कितनी धूम मचा पाते हैं 10th क्लास में। तो अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। तो आज स्फेरिकल मिरर्स लिए हमने। पहला क्वेश्चन है हमारा, ओके, नमस्ते जाट, कैसे हो आप? नमस्ते हिमांशु, बड़े दिनों बाद मिले आप। ठीक है, अच्छा लगा आपको देख के। तो हिमांशु, एग्जाम आने वाले हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप डेली आए। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम स्फेरिकल मिरर के ऊपर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक मिरर है, ये वाला। इसके आउटर सरफेस पे पॉलिश्ड है, यानी बाहर सरफेस पे हमने पॉलिश की हुई है, आउटर सरफेस पे। तो आपको बताना है इस मिरर का नाम। इट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए कॉनकेव मिरर, ऑप्शन बी कॉनवेक्स मिरर, ऑप्शन सी बोथ, यानी इसे कॉनकेव भी कहेंगे और कॉन्वेक्स भी, और डी है नन। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये कौन सा मिरर है? इसके आउटर सरफेस पे हमने पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों ने क्या आंसर दिया। ओके, गुड इवनिंग पार्थ। ठीक है, सबसे पहले आंसर आया, नमस्ते अभिषेक, कैसे हो आप? ठीक है, सबसे पहले आंसर दिया जाट ने, कहा कॉनकेव। ओके, अभिषेक पाल ने कहा कॉनकेव, पार्थ ने कहा कॉनकेव, वेरी गुड पार्थ। जाट ने कहा ए, दुष्यंत ने कहा कॉनकेव, हिमांशु ने कहा ए। ओके ठीक है दिव्यास, हार्ड क्वेश्चन भी देंगे लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी आप थोड़े से इजी क्वेश्चन देखिए, फिर आपको हार्ड लाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर था कॉनकेव मिरर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है इसी के ऊपर, जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डाइवर्जिंग मिरर, ऑप्शन बी कन्वर्जिंग मिरर, ऑप्शन सी बोथ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, और डी है नन ऑफ दीज। तो बताओ बच्चों, कॉनकेव मिरर को हम कौन सा मिरर कहते हैं? ऑप्शन ए डाइवर्जिंग, ऑप्शन बी कन्वर्जिंग, ऑप्शन सी बोथ, और डी है नन। कन्वर्जिंग का मतलब, डाइवर्जिंग का मतलब है लाइट को फैला देता है, चारों तरफ लाइट को फैला देगा। बी कन्वर्जिंग का मतलब है लाइट को एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देगा। तो देखते हैं बच्चों ने क्या आंसर दिया। हाँ दिव्याज, आपने सबसे पहले आंसर दिया। ओके, तो सबसे पहले दिव्याज ने बताया कन्वर्जिंग। ओके वेरी गुड दिव्याज, फिर अभिषेक ने कहा कन्वर्जिंग, फिर हिमांशु ने कहा कन्वर्जिंग। ओके, दिव्याज ने ऑप्शन भी बताया बी, पार्थ ने कहा कन्वर्जिंग यानी बी, वेरी गुड पार्थ, और दुष्यंत ने कहा कन्वर्जिंग, वेरी गुड दुष्यंत, और जाट ने कहा बी, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं, यानी आपको पता चल गया कि कौन के मिरर को हम कौन सा मिरर कहते हैं। ओके, और अगर ये क्वेश्चन होता, ठीक है, अगर हम इसका उल्टा कर देते,
यानी मिरर कैसा होता आप बताइए। हमारे पास एक स्पीयर था, हमने इसे बीच में से काटा, ठीक है, ये तो बना था, वो बाहर से किया मतलब इधर से काटा और इसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दी इस बार हमने, तो ये बन जाता है हमारा कॉनवैक्स मिरर, ठीक है। तो आपको बताना है कॉनवैक्स मिरर इज कॉल्ड, तो बताइए कॉनवैक्स मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग, यानी दो ऑप्शन आपके पास हैं। ओके, हेलो तनु, दिव्याज ने कहा ए यानी डाइवर्जिंग, ओके, हिमांशु ने कहा ए, जाट ने कहा ए, अभिषेक ने कहा डाइवर्जिंग और तनु ने कहा ए, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्वेक्स मिरर इज यूज एज, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए सोलर फर्नेस, ऑप्शन बी हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, ऑप्शन सी बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, और डी है इसका रियर व्यू इन व्हीकल्स। तो बताइए बच्चों कौन सी एप्लीकेशन है, यानी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, ऑप्शन ए सोलर फर्नेस यानी सोलर सूर्य से चलने वाली भट्टी, ऑप्शन बी व्हीकल्स की हेडलाइट्स में, ऑप्शन सी दांतों के डॉक्टर द्वारा छोटे मतलब छोटे दांत की बड़ी इमेज देखने के लिए, दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए, और चौथा है व्हीकल्स में पीछे का देखने के लिए। तो इसमें देखते हैं, ओके, सो सबसे पहले आंसर आया, सबसे पहले दिव्याज ने कहा रियर व्यू, ओके, फिर अभिषेक ने कहा रियर व्यू, जाट ने कहा डी, हिमांशु ने कहा सी, हिमांशु, ठीक है, कोई बात नहीं, दिव्याज ने डी बताया, तनु ने बताया डी, वेरी गुड तनु। तो हिमांशु आप थोड़े दिन क्लास से बाहर रहे, गड़बड़ हो गई, इसका ये ऑप्शन गलत है, सही आंसर क्या है, रियर व्यू इन व्हीकल्स, यानी इस मिरर्स में क्या होता है, हमेशा इमेज कैसी बनती है, बिल्कुल सीधी बनती है, और ठीक है, इसके अलावा वर्चुअल बनती है, जिसकी वजह से ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा एरिया दिखाई देता है और ड्राइविंग में आसानी रहती है। तो सही आंसर था डी, ओके, वेरी गुड। अच्छा कुणाल भी आ चुके हैं, कुणाल कैसे हो आप, मोहित ने कहा डी, कुणाल ने कहा कन्वर्जिंग मिरर, अच्छा कुणाल आपके थोड़ा लेट चल रहे हो, कोई बात नहीं, और ठीक है, दिव्याज ने बताया कि शुरू के तीन में जो यूज होगा वो कौन सा होगा, कन्वर्जिंग, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका, यानी सोलर फर्नेस, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स और डेंटिस्ट के द्वारा लार्ज इमेज देखने के लिए जो मिरर यूज होता है उसमें कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, वेरी गुड दिव्याज, बिल्कुल सही आंसर। अब आगे, अच्छा ये तो ठीक है, बिल्कुल बेसिक था, अब थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, यानी थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं हम क्वेश्चंस का, ओके, तो स्टूडेंट्स अब हल्का सा लेवल हम बढ़ा देते हैं क्वेश्चंस का, तो अब आप थोड़े ध्यान से आंसर देना,
ठीक है बच्चों, 1 मिनट, ठीक है वेट करो, आपके लिए थोड़े से हार्ड क्वेश्चन का अरेंजमेंट करते हैं हम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गुड नाइट तनु, कोई बात नहीं, आप आए अच्छा लगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिरर, ध्यान से आंसर देना बच्चों, थोड़ा सा घूमता हुआ क्वेश्चन है। अ मिरर फॉर्म्स अ, एक मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज। अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कैसा था, वास्तविक, और इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट रियल था और जो इमेज बनी वो वर्चुअल बनी। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, कौन सा मिरर था, ऑप्शन ए कॉन्वेक्स, यानी रियल ऑब्जेक्ट की भी कैसी इमेज बनाई उसने, वर्चुअल। ऑप्शन बी कॉनकेव। ऑप्शन सी प्लेन मिरर, और डी है ऑल ऑफ दीज, यानी सभी। तो बताइए कौन सा होगा सही आंसर, यानी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो रियल है और उसकी इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। तो आपको बताना है कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन या सभी। ओके तो इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा इसमें आंसर दिया श्रेया ने, हेलो श्रेया कैसे हो आप। फिर दिया कुणाल ने कॉनकेव, तो स्टूडेंट्स कॉनकेव आंसर बनाता है लेकिन ये इसका ऑप्शन नहीं है। कॉनकेव भी वर्चुअल इमेज बनाता है लेकिन ये इसका कंप्लीट आंसर नहीं है। तो आप एक तरह से पूरी फिल्म देख, मतलब कंप्लीट पिक्चर देखिए, तो मोहित अकेला प्लेन मिरर भी बनाता है लेकिन वो इसका कंप्लीट आंसर नहीं है। वेरी गुड दिव्याज, फिर दिव्याज ने कहा डी ऑल, श्रेया ने कहा डी, कुणाल ने कहा डी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आंसर। स्टूडेंट्स अगर कोई ऑप्शन में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज, तो आपको पहले एक बार वेरीफाई करना है कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज का मतलब है आपको सबको चेक करना है। तो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल बनाता है हमेशा, कॉनकेव मिरर एक केस में वर्चुअल बनाता है, प्लेन मिरर भी मैक्सिमम वर्चुअली बनाता है। तो यानी तीनों मिरर क्या करते हैं, इमेज बनाते हैं, यानी ये भी बनाता है, ये भी और ये भी। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड दिव्याज, और उसके बाद फिर ठीक है श्रेया ने बताया डी और कुणाल ने बताया डी, वेरी गुड स्टूडेंट्स। दीपक पता नहीं कुणाल दिव्याज कल आया था, दीपक कल आप नहीं थे, तो आज हो सकता है कुछ उसका एग्जाम है परसों कंप्यूटर का। अच्छा आपको दीपक के साथ कंपटीशन करने में अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अच्छा दिव्याज आपका दोस्त आदित्य नहीं आ रहा काफी दिनों से, ओके ठीक है, आदित्य कहाँ चला गया, मुझे लग रहा है वो शायरी करता हुआ कहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड, हमने कहाँ रखा उसे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी एक ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, किसके, कॉनकेव मिरर के। तो द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज, तो जो दूरी होगी किस किस के, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज
एंड द पोल इज, तो उसके इमेज और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? ऑप्शन ए एफ इक्वल टू एफ, एफ फोकल लेंथ के बराबर होगी। ऑप्शन बी बिटवीन एफ एंड 2F, F और 2F के बीच में होगी। ऑप्शन सी इक्वल टू 2F और डी है ग्रेटर देन 2F, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से ज्यादा होगी। तो देखते हैं बच्चों ने क्या आंसर दिया। ओके ठीक है, ओके गुड नाइट राजपूत। ओके दिव्याज ने कहा एट सी, ठीक है दिव्याज आप ऑप्शन देखिए। ठीक है तो सबसे पहले श्रेया ने कहा सी यानी कि इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ओके दिव्याज ने कहा डी, फिर दिव्याज ने कहा सी, ओके कुणाल ने कहा सी, नवीन सिरोही ने कहा सी। ओके स्टूडेंट्स देख लेते हैं एक बार किसकी बात चल रही है, कौन के मिरर की। तो यह है हमारा कौन के मिरर, ठीक है इसका जो सेंटर होगा उसका मतलब सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे पोल और यहाँ पे फोकस। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब इमेज की और पोल की डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी? तो अगर रे पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास होगी, फोकस से, और अगर फोकस से जाती है तो पैरेलल। तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी बनेगी और सेम साइज की बनेगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ यानी 2F। तो सही आंसर क्या है, सी। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया। तो सबसे पहले आंसर दिया था श्रेया ने, वेरी गुड श्रेया, और श्रेया के बाद दिव्याज, फिर कुणाल, नवीन सिरोही, जाट, ठीक है इन्होंने कहा सी। हेलो नवीन, ठीक है ओके। फिर मोहित ने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड, ठीक है लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है मोहित रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो इसमें ऑप्शन क्या है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ओके हेलो हिमांशु कैसे हो आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर दिया सभी स्टूडेंट्स ने। दिव्याज आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, जल्दबाजी में गलत आंसर मत दे देना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन है एम ऑफ एन इमेज, यानी किसी इमेज का जो मैग्निफिकेशन है फॉर्म्ड बाय आ स्पेरिकल मिरर, किसके द्वारा बनता है, किसी स्पेरिकल मिरर के द्वारा, यानी किसी इमेज का जो मैग्निफिकेशन है जो स्पेरिकल मिरर के द्वारा बना है वो कैसा है, इज नेगेटिव, यानी वो कैसा है, नेगेटिव है। तो इट मींस इसका मतलब है द इमेज इज, तो बताइए इसका क्या मतलब है, जो इमेज है वो कैसी होगी, यानी जो मैग्निफिकेशन है इमेज का वो कैसा है, नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब है, नेगेटिव, एम की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी। ऑप्शन ए स्मॉलर, छोटी बनेगी, किससे, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ऑप्शन बी लार्जर, बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। ऑप्शन सी इरेक्ट, सीधी बनेगी। ऑप्शन डी है इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। तो बताइए कौन सा आंसर सही है, देखते हैं बच्चों ने क्या आंसर दिया। ओके ठीक है, तो जाट 5 मिनट और चलेगी क्लास। ओके ठीक है, हाँ 8 बजे तक चलेगी, तो एक क्वेश्चन और लेंगे इसके बाद। दिव्याज ने कहा सी यानी कि इरेक्ट,
और मोहित ने कहा रियल एंड इन्वर्टेड। दीपक आप जल्दबाजी कर देते हो। राजपूत ने कहा सी, कुणाल ने कहा डी रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड, ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चों। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब है जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड होगी, यानी उल्टी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसमें रियल का कहीं ऑप्शन नहीं है, किसका है, इन्वर्टेड है, तो सही आंसर है डी। दिव्याज आपने कहा सी, ठीक है, ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले आंसर दिया कुणाल ने डी, वेरी गुड कुणाल। फिर कुणाल के बाद जाट ने कहा रियल इन्वर्टेड, दिव्याज ने फिर कहा डी, वेरी गुड। ओके ठीक है, ख्याति ने कहा डी, हेलो ख्याति कैसा गया आज आपका वाइवा, एग्जाम था आपका, ठीक है। राजपूत ने कहा डी, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके कोई बात नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे 7:30 बजे। तो स्टूडेंट्स इस वीक के बाद आपका टाइम हम बढ़ा देंगे नेक्स्ट वीक से, और आपके एग्जाम्स में हम पूरा आपके साथ हैं। फिर भी अगर किसी को, किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में डाउट है तो वो प्लेलिस्ट में जाके शुरू की जो हमारी वीडियोस हैं उसमें चेक कर सकता है, देख सकता है। ओके ठीक है, तो दिव्याज अभी क्लास 8 बजे तक ही चलेगी, नेक्स्ट वीक से हम आपकी बात जरूर मान लेंगे। ओके आज का लास्ट क्वेश्चन है, टू गेट एन इमेज, हमें एक इमेज फाइंड करनी है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी हम चाहते हैं कि हमें जो इमेज मिले वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो। तो वन कैन यूज, तो बताइए हम क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी प्लेन मिरर, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, यानी सभी का इस्तेमाल करेंगे। तो बताइए अगर हमें इमेज चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ी हो तो हम कौन से मिरर का यूज करेंगे। ओके गुड इवनिंग विशाल। ओके मोहित ने कहा कॉनकेव, दिव्याज ने कहा बी यानी कि कॉनकेव, वेरी गुड। कुणाल ने कहा बी, राजपूत ने कहा कॉनकेव, जाट ने कहा कॉनकेव, विशाल ने कहा कॉनकेव। ओके ख्याति आपके यहाँ अरिहंत के, ठीक है, वो स्कूल वालों ने अरिहंत का मॉडल पेपर लगा रखा है, लेकिन आप एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करते रहिए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके हिमांशु आपकी लाइव क्लास शुरू कर देंगे। ओके चेतन, तो चेतन अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो अपने सारे स्टूडेंट्स को जरूर शेयर कीजिएगा, जितने आपके दोस्त रिलेटिव फ्रेंड्स हैं। ओके ठीक है, अच्छा दिव्या चलो आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर क्लास एंड करेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको घर से करके लाना है, मतलब आप घर पे ट्राई करना, इसका आंसर हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी आप देना चाहो तो ठीक है। हाँ आप मैनुअल का काम कर लो, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। एफ इजिकल टू आर अपॉन टू, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू इज वैलिड, तो आपको बताना है किसके लिए वैलिड होता है। ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर्स, ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर, यानी सिंपल सा क्वेश्चन है आप बता सकते हो, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों के लिए, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय टू किसके लिए वैलिड होता है। ओके अभिषेक ने कहा ऑल मिरर्स के लिए, कुणाल ने कहा सी, दिव्याज ने कहा सी, विशाल ने कहा सी। ओके दिव्याज आपकी वन दिल मांगे मोर चलता ही रहेगा, ठीक है। ख्याति ने कहा सी, ओके ठीक है, चलो ठीक है दिव्याज, ये पर ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं की जाएगी इस वीक, ठीक है,
तो बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी दोनों के लिए होता है। तो ये फाइनली लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद कोई बात नहीं मानी जाएगी आपकी, ठीक है। तो दिव्या, नेक्स्ट वीक से आपकी मनपसंद क्लास मिलेगी, जितनी टाइमिंग आप कहोगे उतनी। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, आपको घर से करके लाना है। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज है 2 सेंटीमीटर, यानी साइज दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड, उसे रखा गया कहाँ, किस तरह रखा गया, परपेंडिकुलर। यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 2 सेंटीमीटर है, हमने उसे रखा परपेंडिकुलर किसके, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के हमने उसे पैरेलल रखा ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। अब ये कह रहा है द डिस्टेंस, आपको बताना है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किस किस के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर से जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का इक्वल्स किसके बराबर है, वो इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। तो आपको बताना है द साइज ऑफ इमेज विल बी, यानी आपको इमेज का साइज बताना है, ये आपको घर से करना है। हम आप इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए है 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 1.5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है, एक बार आप स्क्रीन पर देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 2 सेंटीमीटर है, इसे परपेंडिकुलर रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस के, किसे, कॉनकेव मिरर में। अगर जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, तो आपको बताना है साइज ऑफ इमेज कितना होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर भी दो बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। तो फिर भी एक बार आप, मैं चाहता हूँ सभी एक बार इसे देख लें, उसके बाद क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से देख लें, फिर बात करेंगे। ओके, तो हालांकि सभी ने आंसर देना शुरू कर दिया है, कुणाल ने कहा डी, जाट ने कहा डी, दिव्यास ने कहा डी, क्या बात है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है सभी का, ठीक है। विशाल राघव ने कहा 2, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर था 2 सेंटीमीटर, वेरी गुड, आपने तो होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया, तो अब आप मजे करें, ठीक है, आराम से। कल फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स 7:30 बजे, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।